प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी पार्ट वन मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी में मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे और आज हम लोग इक्वल मैट्रिसेस के बारे में समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हालांकि आज का जो हम लोगों का बेस रहेगा ये बिल्कुल ही 12 बेस रहेगा, जो चीज़ हम लोग 12 में पढ़े हैं ऑलमोस्ट उसी के बेस पे आज मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आज ये आपका सेकेंड क्लास है तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बिल्कुल ही बेस से उठाऊं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इक्वल मैट्रिसेस, इसके डेफिनेशन को समझते हैं। आप लोगों को मेरे साथ लिखते भी जाना है। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस डेफिनेशन देखिए। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ नंबर वन नंबर ऑफ रोज इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी नंबर टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी नंबर थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल एंड corresponding elements of A and B are equal। दो मैट्रिक्स को हम लोग बराबर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब ये तीन कंडीशन फॉलो होता हो। एक, दोनों मैट्रिक्स में रो की संख्या समान हो। नंबर दो, दोनों मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या समान हो। और नंबर थ्री, दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वह आपका क्या हो तो इक्वल हो। एंड इन दिस केस वी राइट A इक्वल टू B और इस केस में हम लोग A इक्वल टू B लिखते हैं। समझ गए? A बराबर क्या लिखते हैं तो A बराबर लिखते हैं हम लोग B। एक एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से समझिए। A बराबर है एक चार नौ चार नौ सोलह सोलह पच्चीस छत्तीस, यह मैट्रिक्स आपका है ए। ऑब्वियस सी बात है इस मैट्रिक्स में तीन रो और तीन कॉलम। एक दूसरा मैट्रिक्स है बी,
वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर, और इसका भी ऑर्डर 3×3 है। तो एक चीज देखिए कि यदि इसका रो 3 है पहले मैट्रिक्स का, तो दूसरे भी मैट्रिक्स का रो क्या है 3 है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम 3 है तो दूसरा मैट्रिक्स का भी कॉलम 3 है, यानी कि दोनों का ऑर्डर समान है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो समान है, एक है यहां पर एक स्क्वायर, एक ही हो गया ना, चार है दो स्क्वायर, तो दो दुनी चार ही हो गया, नौ है तीन स्क्वायर, तीन तीन नौ, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपका समान है, और इसीलिए देयरफॉर ए बराबर क्या हो गया 2b, समझ गए, ए बराबर आपका हो गया बी। ठीक, होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, इसको आप नोट कीजिए। देखती है मैडम ऐसे, देखोगे देखिए क्या है, कहता है कि x y a b हम लोगों को निकालना है, x y a b कब, जब आपका इस प्रकार से दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और दोनों क्या है बराबर, तो 12th क्लास में तो ऐसा हम लोग पढ़े ही थे, नहीं कोई बात नहीं, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग 12th का है, इसको सॉल्व किया जाए। क्या दिया हुआ है देखिए, तो गिवन 3x प्लस 4y a प्लस बी, 2a माइनस बी, x माइनस 2y 1 बराबर है 2 5, 2 माइनस 5 4 1, दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, समान होंगे, समझिए जो संगत इसके सदस्य हैं वो आपके समान हो जाएंगे। कहने का मतलब है 3x प्लस 4y ये 2 के बराबर हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये 2 तो 2 के बराबर है ही, छोड़ दीजिए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि x माइनस 2y बराबर 4, दो नंबर, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 5 का, a प्लस बी इक्वल टू 5, तीन नंबर आपका 2a माइनस बी इक्वल टू माइनस 5, चार नंबर, ये एक तो एक के बराबर है, इसको आप छोड़ दीजिए। हाँ, अब यहां से आपको सॉल्व करके x और y का मान निकालना, तो आइए कैसे निकालिएगा, 1 प्लस 2 इंटू 2, 1 को लिख दीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू 2, इसमें 2 से गुना किए हैं, 2x माइनस 4y इक्वल टू 4 गुनी 8, ये कैंसिल, आपका 5x बराबर 10, तो x बराबर हो गया आपको 2 मिल गया। इस x का मान, इस x का मान आप रख दीजिए 1 में, तो 1 implies 3 into 2 plus 4y equal to 2 मिल गया, यानी कि 4y equal to 2 minus 3 दुना 6, करने का मतलब minus 4, y का मतलब माइनस 1, y का मतलब आपका हो गया माइनस 1, y का मतलब माइनस 1, ठीक है, आई एन नो। अब देखिए तो x y का वैल्यू मिल गया ना, अब आप निकालिए 3 और 4 को जोड़ दीजिए, 3 प्लस 4 implies a प्लस b इक्वल टू 5, 2a माइनस b इक्वल टू माइनस 5, जोड़िएगा तो ये दोनों कैंसिल, तो 3a इक्वल टू 0, a बराबर 0 हो जाएगा,
और इस ए का मान आप रख दीजिए थ्री में, थ्री इम्प्लाइज जीरो प्लस बी इक्वल टू फाइव, तो बी बराबर कितना हो गया, तो बी बराबर फाइव। कहने का मतलब है कि ए बराबर जीरो, बी बराबर फाइव, एक्स बराबर टू और वाई बराबर आपका हो गया माइनस वन, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, और ये चीज हम लोग पहले से भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है, इसको फिर भी आप नोट कर लीजिए, एक दो दिन आप मैनेज कीजिए, एक दो दिन आपको बेसिक बताएंगे हम। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग पहले पढ़ेंगे ट्रू और फॉल्स, समझे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे, ट्रू और ट्रू और फॉल्स, यानी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इस चीज को देखना है। जिस तरह से आपका पार्ट वन में भी काम में आएगा, तो आपका ट्वेल्व में भी आएगा काम में, ऑब्जेक्टिव है ना, और इसको आप कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं। पहला देखिए क्या है, ए मैट्रिक्स इज प्योरली एन एरे ऑफ एलिमेंट, बताइए सही है कि गलत है। कल डेफिनेशन पढ़े थे ना, उस डेफिनेशन में क्या ऐसा कुछ आया था क्या, बताइए तो। ए मैट्रिक्स इज प्योरली एन एरे ऑफ एलिमेंट्स, बिल्कुल सही था, देखिए उसमें लिखा हुआ था, समझे, है लिखा हुआ एरे ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ये आपका क्या है, ट्रू है, क्या है ये, ट्रू, यानी कि ये आपका हो गया ट्रू। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, बताइए मैट्रिक्स का वैल्यू होता है, मान होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, मैट्रिक्स का नहीं होता है, मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता, समझ गए, वैल्यू का मतलब इसको सॉल्व करने से कोई मान नहीं आता है, वो मान किसका आता है, डिटरमिनेंट का, किसका आता है, डिटरमिनेंट, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट, नल मैट्रिक्स मे बी ए स्क्वायर एज वेल एज रेक्टेंगुलर, तो बताइए कि नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है और नल मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, कल डेफिनेशन आप लोगों को बताया था, बोलिए नल मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन होता है, नल मैट्रिक्स का, नल मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखवाए थे कि कोई भी प्रकार का मैट्रिक्स हो उसके सारे एलिमेंट कितना होना चाहिए, जीरो, सारा सदस्य क्या होना चाहिए, जीरो, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, यानी कि ये आपका ट्रू है, ये आपका क्या है, ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द नोशन ऑफ मैट्रिक्स वाज प्रपोज्ड बाय आर्थर केले, यानी कि जो मैट्रिक्स का नोटेशन है, समझ गए, जो सिंबल है जिससे हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, क्या वो आर्थर केले बताए थे क्या, हाँ यही बताए थे, मैट्रिक्स का नोटेशन कौन बताए थे, आर्थर केले, एक मैथमेटिशियन थे, यही बताए थे, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, ट्रू, समझ गए, आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रू, ये आपका क्या हो गया, ट्रू। दो बार सब में लिख देते हैं ताकि डार्क हो जाए, हाँ कैमरा में भी दिखे, ये कैमरा में भी दिखना चाहिए ना, ये आपका क्या था, फॉल्स, क्या था, फॉल्स, बोलिए क्या दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या, तब लगल है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, कहता है कि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो आपका स्केलर मैट्रिक्स होता है, ऐसा होता है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सुनिए ध्यान से देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इस पेन से साइज नहीं दिखेगा, लिखेंगे तो, हाँ
मोटा करके लिखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, समझ गए। डायगोनल मैट्रिक्स आपका क्या होगा इस प्रकार से, एक जीरो जीरो दो, यानी कि आपका जो विकर्ण है ना, जो डायगोनल है इसको छोड़कर सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन जो विकर्ण पे जो है ना, डायगोनल पे कोई भी सदस्य हो सकता है, अलग अलग सदस्य अलग अलग एलिमेंट हो सकता है, समझे बात को। जैसे यहां पर एक लिखे, नीचे क्या लिखे, दो, ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स जो है आपका दो जीरो जीरो दो, यानी कि विकर्ण के सदस्य तो होना चाहिए, समझे, विकर्ण के सदस्य के अलावा सारा सदस्य जीरो होना चाहिए। लेकिन जो विकर्ण का सदस्य है ना, जो डायगोनल का सदस्य है, वो आपका समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। तो हम तो यहां पर एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखे हैं, लेकिन क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, नहीं है, क्योंकि दोनों सदस्य इसका समान नहीं है। इसका मतलब ये क्या है आपका, फॉल्स। क्या है आपका, फॉल्स। क्या आपका, फॉल्स। लेकिन यही यदि उल्टा रहे ना, यदि उल्टा रहे कि क्या हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो आंसर है यस, क्योंकि यह आपका स्केलर मैट्रिक्स है, यह डायगोनल भी तो है, क्योंकि विकर्ण के अलावा सारा सदस्य कितना है, जीरो। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकता है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही लिखा हुआ है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब बताइए सही होगा गलत होगा, ये सही हो जाएगा ना, क्योंकि जितना भी स्केलर मैट्रिक्स है वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि ये आपका सही है, ये आपका क्या है, तो ये आपका सही है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इस तरह से 1 0 0 1 है या नहीं। तो स्केलर मैट्रिक्स का क्या है परिभाषा, कि विकर्ण के सदस्य क्या होना चाहिए, समान, क्या होना चाहिए, समान। तो जैसे यहाँ पे विकर्ण का सदस्य समान था ना, यहाँ पर भी तो विकर्ण का सदस्य समान है, एक एक है तो समान है ना हुआ जी। इसका मतलब कि जितना भी यूनिट मैट्रिक्स है वो आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, ट्रू। क्या हो गया बाबू, ये आपका हो गया ट्रू। क्या हो गया, ट्रू। अब नीचे देखिए नेक्स्ट क्या है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए यूनिट मैट्रिक्स। यानी कि जितना भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या वो यूनिट मैट्रिक्स होता है, नहीं होगा, क्योंकि देखिए यह आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक है तो नीचे क्या है, दो। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी कि नहीं होगा। कहने का मतलब ये आपका हो गया फॉल्स। क्या हो गया आपका, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसको तेजी से। अच्छा नो, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, मैट्रिक्स का तो कोई माने नहीं ना है, सही बात है, मैट्रिक्स को कोई मान नहीं होता, ये ट्रू ना होगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू ना, मैट्रिक्स को कोई मान नहीं ना है जी, मैट्रिक्स का कोई मान नहीं है तो क्या होगा, ट्रू। और ये बेटी जब लास्ट होता है तब बोलती है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसको आप सुधार लीजिए, मैट्रिक्स का कोई माने नहीं है ना, तो बिल्कुल सही बात, यही तो हम उस समय बता रहे थे। क्या कहता है देखिए, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, द एलिमेंट्स फॉर व्हिच आई इज नॉट इक्वल टू जे इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। द एलिमेंट्स For which I is not equal to J
इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। क्या डायगोनल एलिमेंट का ऐसा कोई परिभाषा हम लोग पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े। उसमें डायगोनल डायगोनल का हम लोग क्या पढ़ते हैं? डायगोनल के लिए पढ़ते हैं जब आई और जे बराबर हो, समझ गए, तो वैल्यू हो, और आई और जे जब बराबर नहीं हो तो वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। यानी कि ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया आपका? ये फॉल्स, ये आपका हो गया फॉल्स। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्या कहता है, द लाइन अलोंग व्हिच द एलिमेंट्स A11, A22, A33 लाइज इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। बताइए तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? यही ना होता है, इस तरह से जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? ट्रू। ये आपका क्या है? ये आपका है ट्रू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए, कुछ लाइट का इशू हो गया है, एकदम बारिश का मौसम है, लाइट का इशू है, तो मेरा चेहरा दिखे ना दिखे लेकिन बोर्ड दिखना चाहिए। मैं अपना चेहरा खुद ही कैमरे में नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ बोर्ड का लिखा हुआ दिख रहा है। तो बोर्ड का लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे फिल अप द ब्लैंक स्पेसेस, यानी कि खाली जगह को हम लोगों को भरना है, समझ गए, खाली जगह को भरना है। क्या है खाली जगह को भरना है? तो कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको समझिए, क्या कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलिए वेरी गुड, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कहता है कि जो आपका डायगोनल है, एवरी नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट, क्या कहता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी, आई नो इसमें नो, यहां पे जीरो नहीं है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा आप लोग भी, जीरो यहाँ पर नहीं, ठीक है, इसीलिए वहां पे जीरो हो ही नहीं, दो बार जीरो नहीं हो सकता है। क्या कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड, इज कॉल्ड। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझ गए, वर्ग अभिव्यूह है, और कहता है कि इसका जो भी आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब हो गया विकर्ण के अलावे, समझ गए, नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? विकर्ण के अलावे। यदि किसी मैट्रिक्स के विकर्ण के अलावे का सारा सदस्य कितना होगा? जीरो। सारा सदस्य कितना होगा? जीरो। इसको कौन सा मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं? डेफिनेशन लिखवाया था, विकर्ण का सदस्य हो और विकर्ण के अलावा सारा सदस्य कितना हो? जीरो। इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं ना, क्या मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, समझ गए। क्या कहते हैं? थोड़ा डार्क करके लिख देते हैं, डार्क करके लिख देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स, समझ गए। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, इफ वी हैव ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ए, ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ए, देन जीरो इज कॉल्ड। इस जीरो को क्या बोलते हैं? याद कीजिए, हम लोग पढ़े हैं इसमें, पढ़े हैं क्लास 12 में ही, क्या बोलते हैं जीरो को? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि इस जीरो को जोड़ने से कोई फर्क नहीं ना पड़ा,
जीरो को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ इन द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द सेम साइज वी हैव ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर जीरो, तब माइनस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, याद कीजिए हम लोग पढ़े थे क्लास 12 में एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, क्या बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि ये आपका जीरो क्या बताता है, जीरो बताता है आइडेंटिटी, क्या बताता है आइडेंटिटी। तो इस केस में हम लोग माइनस ए को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, किसका तो ए का, यानी इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्या बोलते हैं इसको, डार्क करके लिख देते हैं, डार्क करके लिख देते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, क्या बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू डेल्टा आई जे, जहां पर डेल्टा आई जे बराबर जीरो है, यदि आई और जे बराबर नहीं है और डेल्टा आई जे बराबर वन है, डेल्टा आई जे बराबर वन है जब आई और जे आपस में बराबर है, बोलिए इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलिएगा, बोलिए जब आई और जे बराबर नहीं है तो वैल्यू कितना है जीरो, जब आई और जे बराबर नहीं है तो वैल्यू कितना है जीरो, और जब आई और जे बराबर है तो वैल्यू कितना है एक, कोना कोनी एक है बाद बाकी कितना जीरो, कौन सा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे ना, कोना कोनी एक है बाद बाकी कितना है जीरो, इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलिएगा यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है इसको नोट कीजिए फटाफट, आज तो मौसम बहुत ही गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, ये कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर बच्चों थोड़ा मैनेज कीजिए आप ऑनलाइन भी। हाँ मौसम यहाँ बहुत गड़बड़ है, बिल्कुल से अंधेरा हो चुका है, लाइट जलाएंगे तो चमकेगा बोर्ड। तो आज दोनों इतना खत्म करते हैं और फिर कल हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।